ठीक है बच्चों, चलिए। सो आप लोग का स्वागत है बच्चों इन दिस न्यू क्लास टुडे, जहां पे अपन लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एनिमल किंगडम के फाइलम मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा के साथ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म किया था बच्चों, टिल कहाँ तक खत्म किया था बच्चों अपन लोगों ने? टिल ऑर्थ्रोपोडा तक खत्म किया था, इसीलिए अपन लोग आज मोलस्का से स्टार्ट कर रहे हैं, बराबर? ठीक है। और बच्चों, ऑर्थ्रोपोडा में को अपन लोगों ने एक सम्मान दिया था, याद है क्या बच्चों? अपन लोगों ने क्या सम्मान दिया था? अपन ने इसको बोला था द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम बोला था, ठीक है? वी हैड कॉल्ड इट द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। आज अपन लोग वहां से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? और बच्चों, अपन लोग देख रहे हैं द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, दैट इज द फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलुस्का, ठीक है? फाइलम मोलुस्का के बारे में देख रहे हैं, ठीक है बच्चों? फाइलम जो टर्म मोलुस्का है, दैट इन लैटिन मीन्स सॉफ्ट बॉडी, ठीक है? क्या मतलब बच्चों? लैटिन में इसका सॉफ्ट बॉडी है इसका मतलब, ठीक है? क्योंकि बच्चों इनका बॉडी काफी सॉफ्ट रहता है, इसीलिए अपन लोग इनको सॉफ्ट बॉडी नाम दिए हैं, जो कि इन लैटिन इट 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 स्टैंड फॉर मोलुस्का, ठीक है? लैटिन में क्या है बच्चों? इसका मतलब मोलुस्का है, ठीक है? सो बच्चों वो लिख लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले तो क्या था, लाइफस्टाइल एंड हैबिटेट में लिख लेते हैं बच्चों अपन लोग इसके बारे में, ठीक है? नंबर वन, लाइफ स्टाइल एंड हैबिटेट। सबसे पहला क्या है बच्चों? लाइफस्टाइल और हैबिटेट है बच्चों, ठीक है? दिस इज लाइफस्टाइल एंड हैबिटेट, ओके? एंड लाइफस्टाइल एंड हैबिटेट में क्या लिखेंगे बच्चों? मोलुस्का is derived from Latin, which means soft body, ठीक है? सॉफ्ट बॉडी बच्चों, अगर तुम लोग मोलस्का बोलते हैं तो दिमाग में सबसे पहले जो अपने जानवर आता है बच्चों वो है स्नेल, और स्नेल का देखोगे बच्चों तो काफी सॉफ्ट ऐसा नरम सा बॉडी रहता है बच्चों, ठीक है? वेरी वेरी सॉफ्ट एंड नरम सा बॉडी रहता है, ठीक है? और बच्चों मोलस्का का और एक फीचर ये है कि, और एक फैक्ट जो तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कि ये बच्चों सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों ऑर्थ्रोपोडा के बाद, ठीक है? सो इट इज दी सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन दी सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन दी एनिमल किंगडम, ठीक है? एनिमल किंगडम आफ्टर आर्थ्रोपोडा, ठीक है? आर्थ्रोपोडा के बाद कोई नंबर टू पे आता है तो वो कौन है बच्चों? मोलस्का है, ठीक है? बच्चों इसके ज्यादातर जो मेंबर्स रहते हैं एक्वेटिक रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ टेरेस्ट्रियल्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों स्नेल्स, ठीक है? सो मोस्ट मोलस्क आर एक्वेटिक बट सम ऑफ देम सच एज स्नेल्स आर टेरेस्ट्रियल एज वेल, ठीक है? स्नेल्स की तरह जो कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे बच्चों? टेरेस्ट्रियल्स भी होते हैं, ठीक? कैसे होते हैं बच्चों ये लोग? टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ देम एक्वेटिक होते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्नेल की तरह कैसे होते हैं बच्चों? टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है? बच्चों इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं अपन लोग। नेक्स्ट लेट अस टेक अ लुक एट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या देख रहे हैं बच्चों अपन लोग? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख रहे हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में अपन लोग देखेंगे बच्चों की इनका सबसे यूनिक फीचर रहता है बच्चों कि इनका बॉडी थोड़ा सा अलग सा एक पार्ट में सूजा हुआ रहता है। दे हैव दिस स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर को अपन लोग विसेरल हम्प बुलाते हैं। बच्चों मुझे तुम में से कोई बता सकता है चैट बॉक्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय विसेरल ऑर्गन्स? क्या मुझे कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय विसेरल ऑर्गन्स? चैट बॉक्स में लिख के भेजिए बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय विसेरल ऑर्गन्स? ओके, उत्कर्ष राइट आंसर है बेटा, और कृतिका राइट आंसर, हर्षदा राइट आंसर, करेक्ट। यही मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए मैं एक्चुअली पूछा था। ज्यादातर जनों ने एकदम करेक्ट जवाब दिया कि इनर ऑर्गन की बात कर रहे हो सर करके आप, ठीक है?
लेकिन बच्चों एक दो बच्चों ने ये भी भेजा है, एक सेकंड, वेस्ट ऑर्गन बोला है, ठीक है, दो तीन बच्चों ने वेस्ट ऑर्गन्स भी बोला है। वेस्ट ऑर्गन का मतलब क्या है बच्चों, जो कोई काम का नहीं है, बराबर। याद रखना बच्चों, यहाँ पे काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो दो अलग अलग टर्म है बच्चों, एक विसरल है और एक वेस्टिजियल है बच्चों। वेस्टिजियल का मतलब वेस्ट, जैसे कि अपना अपेंडिक्स, ठीक है, जैसे कि बच्चों मेरे बॉडी में अपेंडिक्स नहीं है, ठीक है, मेरे बॉडी में अपेंडिक्स नहीं है, मेरे 10वीं के बोर्ड के पहले अपेंडिक्स सूज गया, डॉक्टर लोगों ने उसको कट कर दिया, कोई काम का नहीं, ऐसा कुछ लग, मेरे में कुछ ऐसा खोट लग रहा है क्या बच्चों, नॉर्मल जी रहा हूं बच्चों मैं, बराबर। सो ऐसे ऑर्गन्स जो कि अपने जीने के लिए जरूरी नहीं होते हैं, एक्सट्रीमली जरूरी नहीं होते हैं, जैसे कि बच्चों अगर मेरा लिवर इफेक्ट हुआ और मैंने को एक लिवर का पार्ट कट करना पड़ा, तो मेरे को मेरा डाइट चेंज करना पड़ेगा बच्चों। पैनक्रियास अगर अपने को रिमूव करना पड़ा, तो मेरे को वो हार्मोन सप्लाई करने पड़ेंगे, मेरे को अगेन मेरा डाइट चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अपेंडिक्स कट करने के कारण बच्चों मेरे कोई जिंदगी में कोई अलग फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे ऑर्गन्स को वेस्टिजियल बोलते हैं। विसेरल का मतलब है इंटरनल ऑर्गन, ये सबको क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है। सो बच्चों विसेरल हम्प एक ऐसा एक जगह है बच्चों तुम्हारे मोलस का, जहां पे सारे मेन ऑर्गन्स कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, ठीक है, जहां पे सारे मेन ऑर्गन्स जो है कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, ठीक है। सो लेट अस टेक अ लुक एट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो बच्चों मैं एक स्नेल का ना जनरल स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम लोग को दिखा सकूं ये विसरल हम्प रहता कैसे है। ठीक है, ये बच्चों स्नेल, फिर यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा खांचे समान रहेगा, और यहां से इनका ये विसरल हम्प बनेगा बच्चों, दिस इज देयर विसरल हम्प। ठीक है, ये बच्चों इनका विसरल हम, ये इनके बच्चों आंखें, ठीक है। सर ये कार्टून वाला स्नेल है कि असली वाला, कैसे बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग मेरे ड्राइंग का, असली वाला स्नेल है ना ये, अच्छा असली, असली, ठीक है, असली है, असली स्नेल है बच्चों ये, ठीक है। अब ऑर्गन ऑर्गन बना दो बच्चों, ठीक है, ऑर्गन ऑर्गन बना दो, फिर तुम लोग को असली दिखेगा, ठीक है, डायरेक्ट कार्टून ही बुला दिया तुमने तो। हाँ मैं जानता हूँ बच्चों कार्टून के स्नेल्स भी ऐसे दिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये असली वाले स्नेल को देखने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। कार्टून वाले स्नेल के अंदर बच्चों ऐसा ऑर्गन वॉर्गन नहीं मिलता तुम लोग को, ठीक है। असली वाले स्नेल के अंदर ये वाला जो पार्ट रहता है उसको अपन लोग क्या बुलाते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है बच्चों सूजा हुआ पार्ट, दिस पार्ट हियर, दिस पार्ट हियर इज कॉल्ड एज दी विसेरल हम्प। ये रीजन इधर वाला जो है बच्चों इसको अपन लोग क्या बुलाएंगे, विसेरल हम्प बुलाएंगे। यहीं पे बच्चों ज्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं तुम्हारे स्नेल में। स्नेल के पास बच्चों जो छोटे छोटे एंटीना भी रहते हैं, जो कि कीमो रिसेप्टर्स या थिग्मो रिसेप्टर्स की तरह काम कर सकते हैं। याद रखना बच्चों सारे मोलस्क ऐसा नहीं दिखते हैं, इट इज जस्ट अ जनरल बॉडी स्ट्रक्चर जो अपन लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली अ जनरल बॉडी स्ट्रक्चर बच्चों। ऑक्टोपस का बॉडी अलग रहता है बच्चों, और जैसे कि कटल फिश का बॉडी अलग रहता है, स्क्विड का बॉडी थोड़ा अलग रहता है, पर्ल ऑयस्टर तो बच्चों बिल्कुल ही अलग बॉडी दिखाता है, तुम्हारा क्या बोलते हैं एप्लीशिया समान जो सी हेयर वगैरह है बच्चों, डेंटेलियम है, ये सारे अलग अलग बॉडी दिखाते हैं बच्चों। ये बस एक जनरल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि स्नेल समान ऑर्गेनिजम्स कैसे दिखते हैं करके, हाँ, बेसिकली जनरली कैसे बॉडी दिखाते हैं करके, ठीक है। अब बच्चों इनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सटेंड करके अपन लोग अंदर की तरफ लेके जाते हैं, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों ऐसे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, लेकिन बच्चों इनका जो मेन सारे ऑर्गन्स रहते हैं वो विसरल हम्प वाले रीजन में ही रहते हैं बच्चों, मेन ऑल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन दी विसेरल हम्प, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन दी विसेरल हम्प, ठीक है। ये हो गया बच्चों इनका इंटेस्टाइन वगैरह, और ये हो गया एनस,
तो बच्चों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या नोट कर रहे हैं अपन लोग कि बच्चों जिस जिस प्लेन ऑफ द बॉडी में इनका माउथ है उसी प्लेन में इनका एनस है। तो बच्चों ये यू शेप का डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, ठीक है। यूट्यूब मतलब वो वाला यूट्यूब नहीं, यू ट्यूब समान है बच्चों, ठीक है। यू शेप का ट्यूब समान है, यूट्यूब बोलने की जगह यू शेप के ट्यूब समान है। ये कैसा है बच्चों, यू शेप का ट्यूब। ठीक है, यू शेप का ट्यूब है बच्चों इनके पास, ठीक है, विच इज दी यू ट्यूब, जिसको अपन लोग यू शेप का डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे ये माउथ वाला जो एरिया है बच्चों, इनके पास ना टीथ नहीं रहता है बच्चों, लेकिन एक अलग सा स्ट्रक्चर रहता है बच्चों, काइटिनेशियस स्ट्रक्चर रहता है बराबर। इनके बेस ऑफ दी माउथ में ऐसे छोटे छोटे रैस्पिंग ऑर्गन समान रहता है बच्चों, ठीक है, स्मॉल स्मॉल रैस्पिंग ऑर्गन समान रहते हैं, जिसको हम लोग रेड्यूला बुलाते हैं बच्चों, ठीक है। दे हैव स्मॉल रैस्पिंग ऑर्गन, जिसको अपन लोग रेड्यूला बुलाते हैं। ऐसा समझ लो बच्चों कि एक बेल्ट पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दांत समान स्ट्रक्चर लगा। बच्चों बेसिकली क्या होता है कि वो किसने वाले, इसके बच्चों कैसे समझाऊं मैं ये, वो जैसा नारियल वारियल किसने का, वो सब पुराना नहीं रहता कैसे, उसके दांत समान रहते हैं उसके ऊपर, ऐसा ऐसा नारियल किसते हैं बराबर। ये वैसा रहता है बच्चों कि जब इसके ऊपर से फूड पास होता है तो वो बच्चों ऐसा नारियल की तरह पूरा छिल जाता है, जिसको अपन लोग रेड्यूला बुलाते हैं बच्चों। क्या बुलाते हैं अपन लोग इसको, रेड्यूला बुलाते हैं। सो लेट मी लेबल दिस, ये क्या है बच्चों, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज दी रेड्यूला। ये बच्चों इनका आइस, ठीक है, ये है बच्चों आइस। बच्चों आइज ऐसे डंडे समान स्ट्रक्चर के ऊपर रहते हैं स्नेल के, विच इज कॉल्ड एज दी ओमेटोफोर्स। बच्चों ये ओमेटोफोर्स स्नेल के पास ही होते ज्यादातर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो ये एक छोटा सा ऐसा सेंसरी ऑर्गन है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा सेंसरी ऑर्गन है। ये छोटे से सेंसरी ऑर्गन को अपन लोग बुलाते हैं बच्चों ऑस्फ्राडियम, ठीक है, कीमो सेंसर्स वगैरह बच्चों यहाँ पे, ठीक है, कीमो सेंसर्स वगैरह, जिसको अपन लोग ऑस्फ्राडियम बुलाते हैं, ठीक है, जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं, ऑस्फ्राडियम बुलाते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये जो विसरल हम्प है ना, विसरल हम्प का एक खुद का मेम्ब्रेन होता है बच्चों, ठीक है, खुद का मेम्ब्रेन समान होता है, जो कि बच्चों ये सारे ऑर्गन्स को अपने अंदर एनक्लोज करता है, ठीक है, इसके अंदर एंक्लोज करता है। ये इनके सिलोम समान हो गया बच्चों, ये क्या हो गया है, ये इनके सिलोम समान हो गया, जिसको मैं सिंपली आई विल लेबल दिस एज दी बॉडी कैविटी। बच्चों इनके पास ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं रहता है, ये हार्ट जो है बच्चों ये बॉडी कैविटी में ऐसे ही पड़ा रहता है बच्चों, ठीक है, बॉडी कैविटी में ऐसे ही पड़ा रहता है बच्चों ये, जिस रीजन के कारण बच्चों दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बच्चों यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए इनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रहता है, दे हैव अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हियर फॉर रेस्पिरेशन विच इज कॉल्ड एज दी मोलस्कन गिल्स, जिसको अपन लोग क्या बुलाएंगे बच्चों, मोलस्कन गिल्स बुलाएंगे, ऐसे पत्ती की तरह दिखता है बच्चों ये, ठीक है, मोलस्कन गिल्स बुलाएंगे। यही बच्चों रेस्पिरेशन के लिए रहता है, और बच्चों मोलस्कन गिल्स इज अ ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन, क्योंकि बच्चों ये मोलस्कन गिल के साथ लगा रहता है इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज वेल, दैट इज कॉल्ड एज ए नेफ्रिडियम, जिसको अपन लोग क्या बुलाएंगे बच्चों, नेफ्रिडियम बुलाएंगे। सो दिस इज द नेफ्रिडियम, इस सबको लेबल करता हूँ बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगा, नीचे की तरफ लेबल कर देता हूँ, दिस इज द नेफ्रीडियम, ये हो गया बच्चों इनका नेफ्रीडियम हो गया है, ये हो गया बच्चों इनका मोलस्कन गिल्स हो गया है, मोलस्कन गिल्स हो गया है बराबर। ये हो गया बच्चों इनका हार्ट समान स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया इनका, ये हार्ट समान स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के अंदर कुछ फ्लूइड भी भरा रहेगा बच्चों इनका,
बच्चों इनका खून ब्लू कलर का भी रह सकता है एंथोसायनिन नाम के एक पिगमेंट के कारण। बच्चों एकदम ऐसा ब्राइट ब्लू नहीं रहता है, ऐसा थोड़ा ग्रेइश ब्लू सा रहता है बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट। हेमोग्लोबिन के जगह इनके पास एंथोसायनिन हीम नाम का एक पिगमेंट रहता है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इनके एपिडर्मिस के ऊपर मतलब इनके स्किन के लेयर के ऊपर बच्चों एक पतला सा दे हैव अ वेरी थिन एक स्पेशलाइज्ड लेयर होता है बच्चों जिसको अपन लोग मैंटल बुलाते हैं। बच्चों ये मैंटल जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट समान मिनरल्स के डिपोजिशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है बच्चों, जिस रीजन के कारण दिस मैंटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द शेल। ठीक है, सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द शेल, ठीक है। शेल शेल जो रहता है ना बच्चों, स्नेल के पास शेल रहता है खुद का, तो बच्चों शेल का सिक्रीशन और प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है बच्चों? ये मैंटल नाम का लेयर रहता है बच्चों, ठीक है। दिस लेयर विच इज कॉल्ड एज मैंटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द secretion and production of this shell. तो लेबल कर लेते बच्चों, this becomes the mantle, this becomes the shell, ठीक है, this becomes the shell। और ये बच्चों एकदम soft सा इनका जो नीचे वाला पार्ट रहता है जिसको अपन लोग foot बुलाते हैं, ये foot जो है बच्चों ऐसा slimy सा liquid secrete करता है जिसके ऊपर ग्लाइड करते करते बच्चों ये लोग लोकोमोशन दिखा सकते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर ग्लाइड करते करते ये लोग लोकोमोशन दिखा सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्नेल बच्चों, क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्नेल है। अब बच्चों ये सारे पॉइंट्स को लिख लेते हैं अपन लोग। बॉडी यूजुअली बायलैटरली सिमेट्रिकल रहता है बच्चों, बॉडी इज यूजुअली बायलैटरली symmetrical, however adults can become asymmetrical due to the twisting and torsion of the shell, ठीक है। शेल के ट्विस्टिंग और टॉर्शन के कारण क्या हो सकता है बच्चों? बच्चों शेल जो है सर ट्विस्ट और मतलब टॉर्शन के कारण बच्चों जो शेल ट्विस्ट होता है ना, तो बच्चों उनका ये नहीं रह जाता है, मतलब उनका कोई सिमेट्री नहीं रह जाता है, और तब अडल्ट एसिमेट्रिकल हो जाते हैं, ठीक है। अडल्ट जो है एसिमेट्रिकल हो जाते हैं बच्चों। बॉडी डिविजिबल रहता है तीन पार्ट में, बॉडी इज डिविजिबल इंटू अ हेड अ विसेरल हम्प एंड अ मस्क्यूलर फुट। और तीसरा क्या रहता है बच्चों इनके पास? एक मस्क्यूलर फुट रहता है, ठीक है, मस्क्यूलर फुट रहता है, ठीक है। अब याद रखना बच्चों कि जो मस्क्यूलर फुट रहता है दैट इज रिप्लेस बाय टेंटिकल्स इन मेनी फॉर्म्स, ठीक है, इन मेनी एक्वेटिक फॉर्म्स द फुट इज रिप्लेस्ड बाय टेंटिकल्स, ठीक है। द फुट इज रिप्लेस्ड बाय टेंटिकल्स, ठीक है। फुट को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है बच्चों? टेंटिकल से रिप्लेस कर दिया जाता है। तुम लोग मुझे कोई मोलस्क का नाम बता सकते हो क्या बच्चों जिसके पास फुट के जगह टेंटिकल्स है? कैन यू टेल मी नेम ऑफ एनी मोलस्क जिसके पास फुट के जगह टेंटिकल्स है? ऑक्टोपस इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर है बेटा उत्कर्षा, ठीक है। उनके पास फुट के जगह टेंटिकल्स है। स्क्विड्स है बच्चों अपने पास, ठीक है, स्क्विड्स है,
बराबर, ऐसे सारे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके पास फुट की जगह क्या रहता है बच्चों, टेंटेकल्स रहता है, ठीक है। उसके बच्चों अपन लोग बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एंड इज इन अ एंड इज, ठीक है, एंड फॉर्म्स अ यू शेप्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन मेनी फॉर्म्स, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन मेनी फॉर्म्स, ठीक है। काफी सारे फॉर्म्स में बच्चों वो यू शेप का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिखाता है, ठीक है बच्चों। सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहता है वो ओपन रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, अर्थात बच्चों खून किसके, बच्चों ओपन और क्लोज सर्कुलेशन के बीच में फर्क समझ में आता है ना सबको, कौन मुझे बताएगा बच्चों व्हाट इज ओपन सर्कुलेशन और कौन मुझे बताएगा व्हाट इज क्लोज सर्कुलेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन, कौन किसको पता है बच्चों, थम्स अप भेजो, ओपन और क्लोज सर्कुलेशन के बीच में डिफरेंस, जिसको पता है थम्स अप भेजिए बच्चों, जस्ट अ थम्स अप। ठीक है रे बेटा हर्षदा, अनम्यूट करके बता, ओपन बता मेरे को सिर्फ, ओपन सर्कुलेशन, हाँ हाँ ओपन सिर्फ बता ओपन बोल, का बताओ। हाँ ओपन सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट के बाहर पंप करते हैं, हार्ट के बाहर, हाँ, और सेल्स और टिश्यूज उसमें बात किए रहते ठीक है। और हैं। ये क्या बोलते हैं, क्लोज्ड का तन्वी बता रहे बेटा, व्हाट इज क्लोज सर्कुलेशन, सो क्लोज में ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेल के पास जाने के। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। रादर देन बीइंग इन अ क्या बोलते हैं लाइक, जैसे कि हर्षदा ने बोला, रादर देन बेदिंग इन दी टिश्यूज, मतलब टिश्यूज और सेल्स डायरेक्टली वो सर्कुलेटरी फ्लूइड में बेथ करने की जगह वो लोग आर्टरीज और वेन्स के अंदर से ही फ्लो करते हैं, ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को अपन लोग क्या बुलाएंगे बच्चों, क्लोज्ड सर्कुलेशन बुलाएंगे। और बच्चों लेकिन इनके पास ओपन रहता है कि इनके पास ब्लड सिर्फ आर्टरीज और वेन्स से नहीं जाता है, ये एक बॉडी कैविटी में भी प्रेजेंट रहता है जहां पे बाकी सारे ऑर्गन्स उसमें और टिश्यूज उसमें से डायरेक्टली न्यूट्रिशन उठा लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली न्यूट्रिशन उठा लेते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ये ऑर्गेनिज्म ये है बच्चों, ये ठीक है, दी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन दी बॉडी फ्लूइड, प्रेजेंट इन दी बॉडी फ्लूइड इन मेनी मोलस्क इज एंथोसायनिन, ठीक है, विच मेक्स दी ब्लड अपियर ब्लू, ठीक है, विच मेक्स दी ब्लड अपियर ब्लू, ठीक है, ये ब्लड को कैसा अपियरेंस देता है बच्चों, ब्लू कलर का अपियरेंस देता है, ठीक है, इट मेक्स दी ब्लड अपियर ब्लू, ठीक है। अब इसके बाद और क्या बता सकता बच्चों इसके बारे में, और क्या बता सकता, हाँ, दे देयर विसरल हम कंटेन्स मोस्ट ऑफ दी विसरल ऑर्गन, इसलिए उसको विसरल हम दिया है ऑब्वियसली, विसरल ऑर्गन्स एंड क्या, एंड दी एपिडर्मिस ऑफ दी हम्प, ऑफ दी हम्प कंटेन्स स्पेशल मेम्ब्रेन
contains a special membrane. Special membrane called as the mantle. इनके पास एक special membrane रहता है बच्चों, जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं, mantle बुलाते हैं. ठीक है बच्चों, mantle का ही कर्तव्य रहता है कि वो लोग इनका shell secrete करते हैं. ठीक है, the mantle is responsible for the secretion of the calcium carbonate shell. Calcium carbonate shell. ठीक है, अब बच्चों समय आता है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने का. ठीक है बच्चों, देयर इज दिस एक एक ऐसा एक मोलस्क है बच्चों. ठीक है, इसके बारे में तुम लोग जानते हो, उसका साइंटिफिक नेम नहीं सुना होगा तुम लोग ने, पिंटाड़ा बुलाते हैं इसको अपन लोग. ठीक है, पिंटाड़ा ऐसे कुछ प्रोनाउंस करते हैं उसका साइंटिफिक नेम बच्चों. लेकिन इसका कॉमन नेम तुम लोग ने सुना होगा, विच इज द पर्ल ऑयस्टर. सुना है ना बच्चों पर्ल ऑयस्टर के बारे में, जहां से अपने को मोती मिलता है. ये क्या मिलता है बच्चों, मोती मिलता है. बराबर बच्चों, इनके पास जो मेंटल रहता है ना, ये पिंटाड़ा ऐसा बंद रहता है. और बच्चों ऐसा माना, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि छोटे मोटे प्लैंकटन आके, या छोटा मोटा डस्ट का पार्टिकल या सैंड का पार्टिकल आके इनके मेंटल के ऊपर जब गिर जाता है, तो बच्चों वहां पे इरिटेशन कॉज करता है. इरिटेशन के कारण वो मेंटल के उस जगह पर बच्चों एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ऐसे मिनरल्स होते हैं, और बच्चों वो एक एक सब्सटेंस बनता है बच्चों, जिसका नाम है नाइकर. ठीक है, नाइकर ऐसे कुछ नाम है. ठीक है, नाइकर ऐसे कुछ तो नाम है बच्चों. इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉ, मतलब बच्चों सबसे लाइट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से आता है ये. ठीक है बच्चों, ये मतलब कॉन्क्रीट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके डेंसिटी के हिसाब से देखा गया है तो. लेकिन बहुत ही लाइट रहता है बच्चों, जिससे तुम्हारे मोती बनते हैं, पर्ल बनते हैं. बराबर बच्चों, ओवर द ईयर से नाइकर जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, और बच्चों ये पर्ल ऑयस्टर्स के अंदर पर्ल मिलते हैं. याद रखना बच्चों, हजारों में 10,000 मतलब बहुत सारे पर्ल ऑयस्टर्स में से अपने को पर्ल तो मिलते हैं बच्चों, लेकिन वो फुल्ली फॉर्म्ड नहीं रहते हैं. मतलब बच्चों हजारों में एक ऐसा पर्ल मिलेगा जो एक्चुअली एकदम फुल्ली फॉर्म्ड रहेगा और वही बेचा जाएगा बच्चों. ठीक है, पर्ल ऑयस्टर ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब पर्ल ऑफ सिग्निफिकेंस अपने को काफी सारे हजारों में एक बार मिलता है बच्चों, हजारों में एक बार मिलता है. सो ये बच्चों वो मोती बनाने का भी काम ये इसका ही है बच्चों, ये मेंटल नाम का जो स्पेशल मेम्ब्रेन है उसी का ही है बच्चों. ठीक है, उसी का ही है. ठीक है बच्चों, याद रखना, स्किन कैन ऑल्सो एक्ट एज द ऑर्गन ऑफ, ठीक है, स्किन एज ऑल्सो एक्ट एज द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. ठीक है, हाउएवर However, some forms contain special organs such as the molluscan gills and nephridium for molluscan gills and nephridium for respiration and excretion. ठीक है, respiration और excretion के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों वो लोग, मोलस्कन गिल्स और नेफ्रिडियम का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, मोलस्कन गिल्स और नेफ्रिडियम का इस्तेमाल करते हैं. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में देख रहे थे बच्चों अपन लोग, मोलस्का के बारे में देख रहे थे. कुछ छूट गया है क्या बच्चों मेरे से? हाँ, नर्वस सिस्टम छूट गया बच्चों इनका सबसे बड़ा फीचर रहता है कि इनके पास काफी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम रहता है, जिस रीजन के कारण बच्चों ऑक्टोपस इज द स्मार्टेस्ट इनवर्टिब्रेट. ठीक है, नर्वस सिस्टम कंटेन्स टू नर्व कॉर्ड्स, दो नर्व कॉर्ड्स है बच्चों, लेकिन ये वेंट्रल है.
ठीक है, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स है, अपने समान डॉर्सल नहीं है बच्चों, ठीक है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स नहीं है ये, डॉर्सल नर्व कॉर्ड्स नहीं है बच्चों, वेंट्रल है, एंड हैव वेल डेवलप्ड गैंग्लियंस एज वेल, ठीक है, वेल डेवलप्ड गैंग्लियंस एज वेल, इनके पास काफी अच्छा डेवलप्ड गैंग्लियंस भी रहता है बच्चों, अच्छे खासे इनके पास रिसेप्टर्स भी रहते हैं, दे हैव सेंसोरी रिसेप्टर्स सच एज, रिसेप्टर्स सच एज, इनके पास काफी सारे सेंसरी रिसेप्टर्स रहते हैं बच्चों, जैसे कि आईज रहता है इनके पास, ऑस्फ्राडियम नाम का एक सेंसरी रिसेप्टर रहता है बच्चों, स्टेटोसिस्ट रहता है बच्चों, स्टेटोसिस्ट अपन लोगों ने कहाँ पे सुना था, अपन लोगों ने टीनोफोरा में सुना था बच्चों, जो बैलेंसिंग ऑर्गन रहता है, ठीक है, स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन रहता है, ऐसे भी काफी सारे ऑर्गन्स रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं बच्चों अपन लोग इनके रिप्रोडक्टिव हैबिट्स में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हैबिट्स, रिप्रोडक्टिव हैबिट्स में बस इतना बोलना, एकदम शॉर्ट और स्वीट, मोस्टली डायशियस रहते हैं बच्चों, दे आर मोस्टली डायशियस, अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वल स्टेज रहता है बच्चों, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड ओवी पैरस बर्थ, बर्थ कैसे रहता है बच्चों इनका, ओवी पैरस रहता है, ठीक है, दी बर्थ इज दी ओवी पैरस बर्थ, ठीक है, कैसे रहता है, ओवी पैरस बर्थ रहता है, ठीक है, सो ये हो गया है बच्चों तुम्हारा पूरे रिप्रोडक्टिव हैबिट्स, ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम मोलस्का, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम मोलस्का। अब बताइए बच्चों कोई डाउट है इसमें, एनी डाउट्स अप टिल दिस पॉइंट, बताइए बच्चों, बताइए, शर्माइएगा नहीं, सबको समझ में आ रहा है बच्चों, एवरीवन, पक्का 100%, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, शाबाश बच्चे, एक सेकंड ना, मेरे को ये रिस्टार्ट करना पड़ेगा जी, हाँ ये बच्चों सारे एग्जांपल्स, ठीक है, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स, ठीक है, फोटो रख लेते हैं अपन लोग यहाँ पे, ठीक है, और एक सेकंड, और एक एग्जांपल उठा के लाना है, वो भी उठा के लाता हूँ, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्रीचर ऑन अर्थ, मेरे को तो बड़ा मन है ये सारे, मतलब ये फाइलम के जो मेंबर्स है बच्चों काफी इंटरेस्टिंग है, किसी दिन मेरे को मौका मिला तो जरूर मिल के आऊंगा इन लोगों से, ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम, ठीक है, जैसे कि बच्चों जो सबसे पहला है यहाँ पे, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज द एप्पल स्नेल, और फिर इसको अपन लोग बुलाते हैं पीला स्नेल, ठीक है, ये बच्चों तुम्हारा पर्ल ऑयस्टर, दैट इज द पिंटाड़ा, पिंटाड़ा, ठीक है, दैट इज दी पर्ल ऑयस्टर, जहां से मोती मिलता है बच्चों तुम लोग को, पर्ल ऑयस्टर, जहां से मोती मिलता है, काफी यूनिक सा स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको अपन लोग सेपिया बुलाते हैं बच्चों, ठीक है, सेपिया बुलाते हैं, ठीक है, सेपिया इज नथिंग बट दी कटल फिश, ठीक है, इसको अपन लोग लॉलीगो बुलाते हैं बच्चों, लॉलीगो, विच इज दी स्क्विड, ये है बच्चों तुम्हारा ऑक्टोपस, जिसको अपन लोग ऑक्टोपस बुलाते हैं, ऑक्टोपस को प्यार से हम लोग डेविल्स फिश भी बुला सकते हैं,
डेविल्स फिश, ठीक है बच्चों? ये है तुम्हारा एप्लीशिया, एप्लीशिया विच इज द सी हेयर. ये है बच्चों तुम्हारा डेंटेलियम, डेंटेलियम बच्चों ये हाथी के टस्क समान दिखता है, ठीक है, हाथी के टस्क समान दिखता है, इसलिए अपन लोग इसको टस्क शेल बुलाते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है बच्चों केटियोप्लूरा, ठीक है, केटियोप्लूरा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द काइटन, ठीक है, इसको चिटन मत चाइटन मत बुलाना बच्चों, काइटन बुलाते हैं अपन लोग इसको. क्या बुलाएंगे अपन लोग इसको? काइटन बुलाएंगे, ठीक है. सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ फाइलम मोलस्का. किसके फाइलम के मेंबर्स है बच्चों? ये फाइलम मोलस्का के मेंबर्स. यहां तक कोई डाउट है बच्चों किसी को? एनी डाउट्स अप टिल दिस पॉइंट? बढ़िया. नेक्स्ट, फाइलम इकाइनोडर्माटा. अगला है बच्चों फाइलम इकाइनोडर्माटा, ठीक है, फाइलम इकाइनोडर्माटा. फाइलम इकाइनोडर्माटा का जो जो टर्म है बच्चों, इकाइनो और डर्माटा, दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड इकाइनस और डर्मा, दैट मींस स्पाइनी स्किन, ठीक है. सो लाइफ स्टाइल एंड हैबिटेट के बारे में बात करते हैं बच्चों, ठीक है. द टर्म इकाइनो डर्माटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म इकाइनस, जिसका मतलब है बच्चों स्पाइनी, एंड डर्मा जिसका मतलब है स्किन. सो इकाइनोडर्माटा बिकम्स स्पाइनी स्किन, ठीक है. इकाइनोडर्माटा क्या हो जाता है बच्चों? स्पाइनी स्किन हो जाता है, ठीक है बच्चों. यहाँ पे स्टारफिश समान ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, स्टारफिश समान ऑर्गेनिजम्स आते हैं. तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नहीं एक सेकेंड, लाइफ स्टाइल और हैबिटेट में और एक भी तो पॉइंट रह गया बच्चों. एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, ठीक है, दे आर एक्सक्लूसिवली बच्चों सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर में रहते हैं. एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मराइन ऑर्गेनिजम्स मोस्टली फ्री लिविंग, खुद से तैरते रहते हैं बच्चों अलग से मजे से. बट सम, ठीक है, बट सम आर सेडेंटरी. सेडेंटरी का मतलब क्या है बच्चों? एक जगह पे चिपके भी रहते हैं कोई कोई, ठीक है, जिनको तैरना वैरना नहीं आता है बराबर, उनको सेडेंटरी बुलाते हैं. अब देख लेते बच्चों बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है बच्चों. ये लोग एकदम प्रॉपर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रू सिलोम है. लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री है, लेकिन बच्चों अडल्ट में रेडियल सिमेट्री है, ठीक है. अडल्ट में क्या है बच्चों? रेडियल सिमेट्री है. ओके, सो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विथ ट्रू सिलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विथ ट्रू सिलोम. लार्वल स्टेज में भी क्या है बच्चों? लार्वा शोज बाइलैटरल सिमेट्री. लार्वा क्या दिखाता है बच्चों? बाइलैटरल सिमेट्री दिखाता है. बट अडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं बच्चों अडल्ट्स.
अडल्ट्स कैसे होते हैं बच्चों? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब बचपन से बायलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं, जैसे जैसे वो लोग डेवलप होते जाते हैं और अडल्ट स्टेज तक पहुंचते हैं उनका सिमेट्री चेंज हो जाता है बच्चों, ठीक है, उनका सिमेट्री चेंज हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट तो है बच्चों इनके पास, डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। अब बच्चों इनके पास थोड़ा माउथ और एनस थोड़ा सा अजीब सा है बच्चों, विथ वेंट्रल माउथ, वेंट्रल का मतलब क्या बच्चों? नीचे, एंड डॉर्सल एनस बच्चों ऊपर है। बच्चों देखो ये ऐसा अगर स्टारफिश हो गया, ठीक है बच्चों, मेरा हाथ दिख रहा है ना बच्चों सबको, मेरा हाथ इज दी स्टारफिश, ठीक है बच्चों। स्टारफिश को तैरना नहीं आता, वो ऐसे जमीन पे रेंगते रहता है बच्चों, सी बेड पे रेंगते रहता है, बराबर। प्लेजिक होते हैं ये लोग, सी बेड पे ऐसा रेंगते रहते हैं, बराबर। तो बच्चों ये लोग क्या करते हैं, इनका माउथ नीचे की तरफ होता है, तो बच्चों ये अगर सी बेड है तो इनका माउथ नीचे की तरफ है बच्चों, इनका माउथ नीचे की तरफ, बराबर, और बच्चों एनस ऊपर की तरफ, ठीक है, माउथ नीचे की तरफ, एनस ऊपर की तरफ। तो बच्चे ऐसे ऊपर नीचे रहता है माउथ और एनस, ठीक है, माउथ और एनस जो रहता है ऐसे ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। अब बच्चों इनके पास सम स्पीशीज हैव टाइनी ब्रिस्टल लाइक सीलिया ऑल ओवर द वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी फॉर फीडिंग एंड लोकोमोशन कॉल्ड एज ट्यूब फीट। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? ट्यूब फीट बुलाएंगे, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज दी ट्यूब फीट। लेट मी जस्ट शो यू बच्चों ये लोग इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, और चलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन यूज इट फॉर ईटिंग ऑल्सो एंड दे कैन यूज इट फॉर, ठीक है। सो लेट अस जस्ट टेक अ नाइस लुक at some of the echinoderms. ये है बच्चों ट्यूब फीट, दिस इज द ट्यूब फीट, ठीक है। सी स्टार्स माइट लुक हार्मलेस, क्यूट इवन, लाउंजिंग अराउंड इन टाइड पूल्स, शोइंग ऑफ देयर प्रिटी कलर्स, बट नो, they're actually hunters, voracious predators that scour. So, देख रहे बच्चों ये लोग प्लेजिक है, ये लोग को तैरना नहीं आता, ये लोग को रेंगना आता है बच्चों। सी बेड के ऊपर क्या करते रहते हैं बच्चों? स्टारफिश ज्यादातर रेंगते रहते हैं, ठीक है, इनको तैरना नहीं आता। कोई कोई तो बच्चों जगह पे, बच्चों यहाँ पे तुम लोग को सबको स्टारफिश दिख रहा है, लेकिन बच्चों मुझे और एक एकाइनोडर्म दिख रहा है, ठीक है, मेरे को और एक एकाइनोडर्म दिख रहा है, बराबर। अब बच्चों तुम सबके पास वो एनोटेशन का फीचर है, मतलब तुम लोग वो ड्राइंग कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना बच्चों, ड्राइंग कर सकते हो ना स्क्रीन पे, ऐसा कुछ, ऐसा ड्राइंग कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना, तो मुझे बच्चों यहाँ पे ढूंढ के दिखाओ कि और एक ये कहाँ पे है। देयर इज वन मोर एकाइनोडर्म हियर, कहाँ पे बच्चों? उसको सर्कल करके दिखाओ मेरे को स्क्रीन पे। करेक्ट बेटा उत्कर्षा, ठीक है, वेरी गुड। ओके उत्कर्षा, कौन सा है बता रहे बेटा ये? विच ऑर्गेनिज्म इज दिस? अनम्यूट करके बता रहे बेटा, कौन सा ऑर्गेनिज्म है वहां पे? हर्षिता अनम्यूट करके बता रहे बेटा, क्या बोला है तूने चैट बॉक्स में? इकाइनस, दैट इज दी सी अर्चिन, ठीक है, सी अर्चिन जो रहता है वो है बच्चों वहां पे, ये है वहां पे सी अर्चिन है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज अनदर इकाइनोडर्म हियर व्हिच इज दी सी अर्चिन। ये लोग बच्चों जगह पे रहते हैं, सेडेंटरी रहते हैं, ये लोग मूव नहीं होते, ठीक है। तो लेट अस सी की क्या बोलती है दीदी और अपने इसके बारे में, स्टारफिश के बारे में। फॉर द ओशंस फॉर प्रे,
Ooh, what's that delicious smell? ये ट्यूब फीड बच्चों, बच्चों ये ट्यूब फीड इतना अजीब है कि ये लोकोमोशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ से ये लोग केमिकल और वो सेंस ऑफ स्मेल सामान डिटेक्ट कर सकते बच्चों, ठीक है? इनको पता लगता है कि खाना कहाँ पे है। Mussels. Sea stars, also called starfish, don't have a nose. They sniff with their feet. They have hundreds, sometimes thousands of feet running along their undersides from their mouth. बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे माउथ दिख रहा है, एक्चुअली थोड़ा पीछे भी देखोगे तो माउथ दिखेगा तुम लोगों को. Underside. They have hundreds. ठीक है यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों माउथ दिख रहा है सबको, यहाँ पे दिख रहा है क्या? ये यहाँ पे माउथ दिख रहा है, ठीक है? Sometimes thousands of feet running along their undersides from their mouth to the tips of their flexible arms. What they don't have is a brain. So how do they figure out which way to go to find a meal? Well, they leave that up to their feet too. See the long skinny ones on the ends? They're extra sensitive. A few of them start creeping towards the smell of the mussel. They move using an elaborate system that harnesses the most plentiful resource around, seawater. The sea star pulls water in through a sieve plate on its topside. Yeah, but it's a sieve plate. And pumps it down. ठीक है, ये सिव प्लेट के थ्रू वो पानी अंदर लेता है बच्चों, ठीक है? Its arms. It fills these bulb-shaped ampullae. Each individual ampulla is connected to a tube foot. Together, the foot and ampulla look kind of like an eyedropper. A disc at the end of the foot clamps onto surfaces around it. वैक्यूम की तरह से चिपक जाता है बच्चों ये लास्ट वाला. Not by suction, like you might expect. But by secreting strong, sticky glue. The ampullae squeeze water into the tube feet, extending them like long balloons. When the tube feet contract, they drag the whole starfish along with them and push water back up into the ampullae. Then the disc secretes other chemicals to let go. A single tube foot isn't so strong on its own, but a whole army of them provides some serious grip. Check this out. You can see a few tube feet get a whiff of that savory mussel. They start crawling towards it. Eventually, this whole arm gets going. Whichever arm pulls the hardest takes the lead. As the sea star builds speed, it takes on an adorable little bounce. It's the sea star's version of a gallop. Instead of just dragging themselves along, the tube feet stiffen, lifting the star up mid-stride and then vaulting forward. No one tube foot is setting the pace. When you're all connected to the same starfish, it's just easier to move when your neighbor moves. When they get going like this, they also skip the glue to stay light on their feet. It's called an emergent pattern, order from chaos. No brain required. Each of these little tube feet has a fierce independence streak. But the success of starfish in oceans the whole world over shows us that sometimes it's best to just go with the flow. Interesting, right, बच्चों? काफी ही interesting, ठीक है? कि बिना brain के वो लोग अपने सारे इसको क्या कर लेते हैं बच्चों? Coordinate कर लेते हैं, ठीक है? They are able to coordinate their entire movement just with the help of, without a brain, just with the help of these tiny structures which are called as the tube feet, ठीक है? That is one of the brilliance of starfish, बच्चों, ठीक है? काफी brilliant है ये चीज़, ठीक है? बच्चों circulatory system भी absent रहता है इनमें. Circulatory system is absent, ठीक है? Circulatory system is absent and characteristic
ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ अ वॉटर वैस्क्युलर सिस्टम. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बच्चों? वॉटर वैस्क्युलर सिस्टम के प्रेजेंस इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ठीक है, देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर बच्चों वॉटर वैस्क्युलर सिस्टम. अभी देखा अपन लोगों ने वीडियो में, वो लोग वो सी प्लेट समान स्ट्रक्चर से पानी अंदर लेते हैं और पानी पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चों. वही उनका खाने, मतलब उधर से ही वो लोग बच्चों, वो लोग खाना वाना भी वहीं से फिल्टर कर लेते हैं. ठीक है, सॉरी मतलब सॉरी मूवमेंट वगैरह भी बच्चों वो पानी वॉटर वैस्क्युलर सिस्टम से ही कर लेते हैं. वही बच्चों उनका रेस्पिरेशन समान भी काम कर लेता है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है मतलब वही पानी से उठा लेते हैं और वहीं पे अपने एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस वगैरह भी डाल देते हैं बच्चों. ठीक है, तो वही वही सब कुछ काम कर लेता है. ठीक है, सो नो स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड वेस्ट इज पोर्ड into the water. ठीक है, पानी में ही वो जो वॉटर वैस्कुलर सिस्टम है वहीं पे डाल देते हैं अपन लोग. नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड रहता है बच्चों, सिवाय ब्रेन नहीं रहता इनके पास. ठीक है, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड, गैंग्लियन वैंग्लियन रहता है बच्चों. ठीक है, तो बच्चों काफी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म. ओके, उसके बाद आते हैं बच्चों अपन लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट अस टेक अ लुक एट देयर रिप्रोडक्टिव फीचर्स. ठीक है, रिप्रोडक्टिव फीचर्स की ओर ध्यान देते हैं. रिप्रोडक्टिव फीचर्स में बच्चों ये लोग भी डाइशियस रहते हैं विद सेपरेट सेक्सेस. दे आर डाइशियस विथ सेपरेट सेक्सेस. ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है बच्चों, देयर इज अ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इनडायरेक्ट ग्रोथ है बच्चों क्योंकि लार्वल स्टेज प्रेजेंट रहता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय, कौन बताएगा बच्चों? बाय किससे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते बच्चों ये लोग? रीजनरेशन रे बेटा, करेक्ट. ठीक है, बाय रीजनरेशन ये लोग, करेक्ट बेटा कृतिका, दैट इट इज रीजनरेशन. ठीक है, रीजनरेशन से ये लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? ये लोग एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, दे कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय रीजनरेशन. इसके साथ अपना समाप्त होता है बच्चों एकाइनोडर्मेटा. लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स अगेन. ठीक है, लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स बच्चों. ये है बच्चों दी एग्जांपल्स ऑफ इकाइनोडर्म्स. ठीक है, काफी सुंदर है बच्चों अगेन. ठीक है, वेरी वेरी सुंदर ऑर्गेनिजम्स दीज आर. ठीक है, काफी सुंदर ऑर्गेनिजम्स है बच्चों इनके पास भी. ठीक है, थोड़ा साइज छोटा कर देता हूं सबको फिट करने के लिए. ठीक है, ये तुमने जो करेक्टली स्पॉट किया है बच्चों. ठीक है, उत्कर्षा वगैरह ने करेक्टली स्पॉट किया था. ओके, ये बच्चों तुम्हारे अलग अलग टाइप के एकाइनोडर्म्स. ठीक है, सो लेट अस टेक अ लुक कि क्या क्या एकाइनोडर्म्स अपन लोग मिल चुके हैं. ये बच्चों एस्टेरियस That is your starfish. ये है बच्चों तुम्हारा Echinus, which is the sea urchin. Echinus, which is the sea urchin. ये है बच्चों Antidon. Antidon is the sea lily. ये है बच्चों Cucumeria. Cucumeria is the sea cucumber. और ये है बच्चों ओफ्यूरिया.
ओफ्यूरिया इज कॉल्ड एज द ब्रिटल स्टार. क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? ब्रिटल स्टार बुलाएंगे. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द ब्रिटल स्टार. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम इकाइनोडर्माटा. किसके बारे में देख लिया बच्चों? इकाइनोडर्माटा. इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था बच्चों? वॉटर वैस्कुलर सिस्टम था. तो बच्चों अगर कोई सवाल आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, बच्चों अनम्यूट करके जवाब दीजिएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वॉटर कनाल सिस्टम. और बच्चों ऑप्शंस दिया है पॉरीफेरा, इकाइनोडर्माटा, मोलस्का और ऑर्थ्रोपोडा. तो जवाब क्या दोगे तुम लोग? पॉरीफेरा. शाबाश. ठीक है, तुम लोग मेरे सीख गए बच्चों, तुम लोग शाबाश. ठीक है बच्चों, वॉटर कनाल सिस्टम बोला तो पॉरीफेरा है, वॉटर वैस्कुलर सिस्टम बोला तो इकाइनोडर्म है. ठीक है, क्या है बच्चों? इकाइनोडर्म है. वॉटर कनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉरीफेरा, बट वॉटर वैस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्माटा. शाबाश शाबाश, वेरी गुड बेटा उत्कर्ष. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों अपना फाइलम हेमीकॉर्डेटा. क्या बच्चों अपना अगला फाइलम क्या है? हेमीकॉर्डेटा. ठीक है, हेमीकॉर्डेटा जो है बच्चों, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अवर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लाइफ स्टाइल एंड हैबिटेट के बारे में. ठीक है बच्चों, इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में अभी भी रिसर्च चलता है, वी डू नॉट नो अ लॉट अबाउट देम. ठीक है, बट दे फॉर्म अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट फाइलम. ठीक है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट फाइलम के बीच में लोग कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं. ठीक है, ओके बच्चों, और इनका बॉडी फीचर क्या रहता है? नहीं, बॉडी फीचर से पहले एक्सक्लूसिवली मराइन है, वो भी लिख लेता हूं. दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन. ठीक है, एंड live in deep sea beds में रहते हैं बच्चों. ठीक है, deep sea beds में रहते हैं बच्चों. ये लोग कॉलोनी की तरह भी रह सकते हैं और सॉलिटरी भी रह सकते हैं. ठीक है, they can be colonial और solitary. ठीक है, अकेले भी रह सकते हैं या कॉलोनी में भी रह सकते हैं. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों कि हाउ डज देयर बॉडी लुक लाइक. ठीक है, वर्म लाइक फाइलम है बच्चों. ठीक है, अपने पास टोटल अभी ये चौथा वर्म लाइक फाइलम है बच्चों. पहला था प्लैटीहेलमिंथिस, दूसरा था एस्कल्मिंथिस, तीसरा था एनलिडा, चौथा है हेमीकॉर्डेटा. ठीक है, दे आर अ फाइलम ऑफ वर्मी फॉर्म एनिमल्स. वर्मी फॉर्म का मतलब क्या है बच्चों? वर्म लाइक, वर्मी फॉर्म animals. ठीक है, they are a phylum of vermiform animals. ठीक है बच्चों, इनका डायग्राम ही बना के दिखाता हूं, थोड़े अलग से दिखते हैं बच्चों ये लोग. ये एक अजीब सा इनका एक फीचर है कि ये लोग खुद के ऊपर ही गठान बांध सकते हैं बच्चों. ठीक है, खुद के बॉडी के साथ ही गठान बांध सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इधर काफी सारे गिल स्लिट्स रहते हैं बच्चों, वर्टिब्रेट समान इनके पास गिल स्लिट्स रहते हैं. यहाँ पे बच्चों इनका माउथ रहता है और माउथ के सामने ऐसे टेंटिकल्स रहते हैं. ठीक है, दे हैव द माउथ हियर, ये खांचे में. ठीक है, और बच्चों इनके पास ऐसा खाने को माउथ की तरफ धक्का देने के लिए छोटे छोटे ऐसा सीलिया समान रहते हैं जिसको सीलियरी ऑर्गन बुलाया जाता है. बॉडी इज डिविजिबल इनटू थ्री पार्ट्स. ये पहले वाले पार्ट को हम लोग बुलाते हैं बच्चों प्रोबोसिस. ठीक है,
इस पार्ट को हम लोग बुलाते हैं बच्चों कॉलर, और बचा हुआ पार्ट हो जाता है बच्चों ट्रंक। ठीक है, थोड़ा नीचे ला लेता हूँ इसको। अरे सी दे रही, और बच गया बेचारा। ठीक है, ये जो पार्ट है बच्चों इसको अपन लोग बुलाते हैं ट्रंक। क्या बुलाते हैं बच्चों? अपन लोग इसको ट्रंक बुलाते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द ट्रंक। बराबर, ये हो जाएगा बच्चों गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन एंड ऑल। और बच्चों यहाँ पे एनस भी प्रेजेंट है इनके पास। तो बच्चों अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बिल्कुल बच्चों ये लोग सिलोमेट है, ट्रिप्लो ब्लास्टिक है, ट्रिप्लो ठीक है, ट्रिप्लो ब्लास्टिक है बच्चों ये ऑर्गेनिजम्स। और ये लोग बायलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं बच्चों, विथ बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री। बॉडी डिविजिबल किस किस में बच्चों? बॉडी इज डिविजिबल इनटू, बॉडी इज डिविजिबल इनटू किस किस में बताया बच्चों? ये है प्रोबोसिस, प्रोबोसिस ये है बच्चों कॉलर, एंड लास्ट वाला है बच्चों ट्रंक। तीन पार्ट में डिवाइडेड रहता है। और बच्चों रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स रहते हैं, रेस्पिरेशन यूजिंग गिल स्लिट्स। ठीक है बच्चों, गिल्स रहते हैं। सर्कुलेशन इनका ओपन टाइप रहता है बच्चों, सर्कुलेशन इज ओपन। ठीक है, और बच्चों एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि इनके पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो माउथ के आसपास से चालू होता है, और बच्चों ये नर्व कॉर्ड के साथ ये पीछे तक एक्सटेंड होता है। ठीक है, पीछे तक एक्सटेंड होता है, जिसको अपन लोग बकल डाइवर्टिकुलम बुलाते हैं। पहले अपने को लगा बच्चों ये जो है ये एक्चुअली नोटोकॉर्ड है, इसीलिए बच्चों हेमी कॉर्डेट्स को पहले कॉर्डेट वाले फाइलम में रखा जाता था। फिर पता चला कि ये स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये मीजोडर्म से नहीं बनना है बच्चों, और नोटोकॉर्ड हमेशा मीजोडर्म से ही बनना चाहिए। ठीक है, सो दे हैव रॉड लाइक स्ट्रक्चर रनिंग फ्रॉम द माउथ टुवर्ड्स द ट्रंक। ठीक है, टुवर्ड्स द ट्रंक कॉल्ड एज द बकल डाइवर्टिक्यूलम। ठीक है, क्या बुलाएंगे बच्चों अपन इसको? बकल डाइवर्टिक्यूलम बुलाएंगे। इट इज कॉल्ड एज द बकल डाइवर्टिक्यूलम। इट वॉज थॉट टू बी अ प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे बच्चों अपन लोग जल्द ही। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट है बच्चों रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ठीक है, लेट अस टेक अ लुक एट द रिप्रोडक्टिव फीचर्स। सेक्सेस सेपरेट है बच्चों, दैट इज डायशियस। ठीक है, डायशियस होते हैं बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं बच्चों ये लोग। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी दिखाते हैं बच्चों, अर्थात लार्वल स्टेज बिल्कुल रहता है, बिल्कुल बिल्कुल 100% लार्वल स्टेज रहता है। ठीक है बच्चों, इसके थैंकफुली तुम लोग को दो ही एग्जांपल्स याद रखने हैं, बैलंग्लोसिस आणि सैकोग्लोसिस। ठीक है, दो ही एग्जाम्पल है बच्चों बैलन ग्लॉसेस। देखिए बच्चों वर्म समान दिखते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं, बैलन बैलेनोग्लॉसेस और सैकोग्लॉसेस। ठीक है, बैलेनोग्लॉसेस एंड सैकोग्लॉसेस। ठीक है, बैलेनोग्लॉसेस एंड सैकोग्लॉसेस करके दो ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, बढ़िया ऑर्गेनिजम्स है, एक नंबर। ठीक है, सो बच्चों इसी के साथ साथ मुबारक हो बच्चों हमारे
सारे इनवर्टिब्रेट फाइलम होते हैं समाप्त, ठीक है, हमारे सारे इनवर्टिब्रेट फाइलम समाप्त होते हैं बच्चों। और अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों विथ दी वर्टिब्रेट फाइलम्स।